बीच मत करें, बात करने का बीच मत करें। एक बार हम बाबा एक बार करोगान मर्डर में गलती कर चुके हैं, अब गलती नहीं करेंगे। वहाँ रविदास समाज को मरवाने वाले ये है मरवाने वाले। जब तक सफेद नहीं होंगे तब तक आंदोलन नहीं खत्म होगा। खनौटिया मर जाएंगे, आत्मदाह करेंगे, लेकिन इनको सस्पेंस जाना है। क्या समझते हैं? थाना है, थाना इन्हीं पे है, हम लोग कुछ नहीं है, पब्लिक वाले कुछ नहीं होता है, सारा यही है। लाठी चार्ज करवाए, मरवाए, हम लोग नहीं जाएंगे। पुलिस प्रशासन होश में हो, प्रशासन डरी तानाशाही, प्रशासन डरी तानाशाही, दोषियों को सजा दो, दोषियों को सजा दो। जेसीबी चलता है, जेसीबी चलता है, जेसीबी को अरेस्ट करने का पकड़ने का आपका अधिकार है? नहीं नहीं सर, जो व्यक्ति निजी माटी निकाल रहा है ना उसका जेसीबी पकड़ लेता पैसा के लिए, और जो मनरेगा में काम करता है उसका जेसीबी नहीं पकड़ लेता है। सर आप बायोडाटा मेरे पास सर है, दे देंगे सुना सभी। पुलिस प्रशासन होश में आओ, प्रशासन तेरी तानाशाही, प्रशासन तेरी तानाशाही, पुलिस प्रशासन होश में आओ, थाना प्रभारी होश में आओ, थाना प्रभारी होश में आओ, दोषियों को सजा दो, दोषियों को सजा दो। नमस्कार, आई 24 न्यूज देख रहे हैं आप, और इस वक्त हमारी मौजूदगी है बिहार के रोहतास जिला अंतर्गत करहगर थाने के जस्ट सामने। ये देख सकते हैं आप कि यहाँ पर जो है ये करहगर थाना है, और करहगर थाने के जस्ट सामने जो है यहाँ पर कुछ दलित लोग हैं जो अपनी मांगों को लेकर के जो है यहाँ पे प्रदर्शन किए हुए हैं, और किस तरह से जो है ये रोड को जाम कर दिए हैं। पूरा जो है रोड जो है वो आवागमन जाम हो गया है, और यहाँ से जो है ये बक्सर और सासाराम का मुख्य पथ था जो कि पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है। देख सकते हैं ये तमाम गाड़ियाँ जो है लगी हुई है। हालांकि हम इन लोगों से बात करेंगे, कुछ जानने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ मामले हैं, किन किन मामलों को लेकर के इन्होंने इस तरह का जो है रोड को जाम किया है, और क्या इन लोगों का जो है प्रोटेस्ट का मकसद है। इनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे, आप लोगों को मिलवाने का प्रयास करेंगे। आज चार महीना से ग्राम लेढ़ा टोली में बाबा साहब के प्रतिमा को लेकर विवाद चल रहा था, जिसमें रवि शाह समाज में कई बार मारा पीटा गया। करहगर थाना के प्रभारी जी जो है 1% मामला को संज्ञान में लिए। उनका सुझान है कि वहाँ पर रविदास समाज मर जाए फिर वहाँ कुछ नहीं करने वाले हैं। अभी विगत 25 तारीख को बाबा साहब की प्रतिमा को कबाड़ का फेंक दिया गया। इस मामला को डीएसपी साहब, एसपी साहब और थाना प्रभारी साहब तीनों आदमी का आवेदन दिया गया, अब तक कोई कार्रवाई नहीं किया गया। मरे मारने पिटाने के बाद भी यहाँ के थाना प्रभारी ये भैया लिखने को तैयार नहीं है, इसीलिए हम लोग रोड जाम किए हैं। मांग हम लोग का है कि बाबा साहब का प्रतिमा बनना चाहिए, जो व्यक्ति मारपीट किया है उन लोग का अरेस्टिंग हो, जो बाबा साहब का प्रतिमा का बना है जल्द से जल्द अरेस्ट होकर कार्रवाई किया जाए। तीसरा चीज, वह उस गांव में 300 बीघा बिहार सरकार जमीन है, वहाँ सीओ बीडीओ एसडीएम चुप क्यों है, थाना प्रभारी चुप क्यों है, सारा जमीन 300 बीघा खाली कराए। जब तक जमीन खाली नहीं करवाता है, प्रतिमा नहीं बनवाता है, तब हम लोग यहाँ से नहीं हटेंगे। हम लोग अनिश्चित काल के लिए बैठे रहेंगे यहाँ, हम लोग आत्मदाह करने को तैयार है, यहाँ हम लोग मरने को तैयार है, लेकिन यहाँ से हम लोग हटेंगे नहीं। बीच बात करें, बात करने का बीच बात करें। एक बार हम बाबा एक बार करोगान मर्डर में गलती कर चुके हैं, अब गलती नहीं करेंगे। हाँ,
ये भैया मैडम नहीं ना है, वहाँ रविदास समाज को मरवाने वाले ये है मरवाने वाले। जब तक संघर्ष नहीं होंगे तब तक आंदोलन नहीं खत्म होगा, पर यदि मर जाएंगे आत्मदाह करेंगे। लेकिन इनको संघर्ष करना है कि क्या समाज संकट होना है, थाना इन्हीं का है, हम लोग कुछ नहीं है, पब्लिक वाले कुछ नहीं होता है, थाना यही है, लाठीचार्ज करवाए मरवाए, हम लोग मरने वाले नहीं जाएंगे। देख रहे हैं कि किस तरह से जो है प्रमोद चंद्रा जी जो कि प्रशासन के सामने इस तरह की बातें कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन होश में हो, प्रशासन डरी तानाशाही, प्रशासन डरी तानाशाही, दोषियों को सजा दो, दोषियों को सजा दो, पुलिस प्रशासन होश में हो। सर आपके द्वारा मुआयना किया गया हमको बताइए सर, जो सर आपके द्वारा सर जेसीबी चलता है, जेसीबी चलता है, जेसीबी को अरेस्ट करने का पकड़ने का आपका अधिकार है? नहीं नहीं सर, जो व्यक्ति निजी माटी निकाल रहा है ना उसका जेसीबी पकड़ लेता है पैसा के लिए, और जो मनरेगा में काम करता है उसका जेसीबी नहीं पकड़ लेता है। सर आप डाटा मेरे पास सर है, दे देंगे थोड़ा सा, बोलिए। मनरेगा का मैटर था वो, मैंने फोन भी किया था उस दिन उनको, मनरेगा पीओ को भी रात में आपको किया था उस समय सिग्नल लेने के लिए, और आपको अगर नेक्स्ट जो मैटर था आप हमको आवेदन आके देते, जांच करवा देते उसका। सर जब आपको फोन किया कोई संज्ञान नहीं लिए, आप रिपीट फोन कर सकते थे ना कि चंद्रा जी हम कॉल आ रहे हैं वहाँ घटा दो, आपसे बात सर विभाग की क्या बात है, आप समीक्षा कर सकते हैं पे, हम बोल दीजिए मर्डर हुआ है, सपोर्टेड मर्डर हुआ है, क्या पर भाई साहब के दैत्य बनाए हो जाने के लिए, इनका दैत्य भी बनाए हो जाने के लिए दादर पे कि चल रहे कि नहीं चल सही में। सर सर जब तक यहाँ एक डीओ साहब नहीं जाएगा जी, बोलिए ठीक है। ए बाबू ये हाँ, सिर्फ डीओ साहब पीपरो साहब से हम बात करके पता लगवाए थे, वही बोले कि सस्ता योजना या कौन सी योजना होता है उसमें मनरेगा का ये रहता है प्रोविजन, उसके तहत काम हो रहा है वहाँ पर। अगर आपको लग रहा था गलत हो रहा आपने से आप आवेदन देते हमको अगर अंचल में हम उसको दिखवाते, ठीक है सर हम दोषी हैं? नहीं दोषी की बात नहीं है, हम जानते हैं सर बाबा साहब का वहाँ से जो फसल पे गड़ा गया था वोट कमाल का फेंक दिया गया, उनको दिया गया, इनको क्या संज्ञान लिए, अभी तक क्या किए हैं, उसका फोटेज भी है, क्या किए गए थे, क्या किए फोटेज है, क्या किए भाई ने भाई यार है, अज्ञात में होता है तो सोचना पड़ता है। और एक कट्ठा जमीन वहाँ बाबा साहब के लिए लूटा गया है, उसे सबके दिल में काट गड़ गया क्या, 300 बीघा जमीन जितना जल्दी से जल्दी वहाँ निकलवाए, कहाँ बिहार का जमीन है, ऐसे नहीं चलेगा मनमानी। आप सीओ हो गए, वीडियो हो गए, हमारे प्रभारी हो गए तो सब अभी नहीं है, हम लोग मरने मिलने वाले हैं, हम लोग राजा के बेटा नहीं पैदा हुए हैं, मरना सबको है, हमको भी मरना आपको भी मरना है, उसी सब गुस्से में ना जाए जी जी। अच्छा क्या जरूरी है इस धूप में यहाँ आना, मेरा हाथ टूटा हुआ क्या हो, क्या जरूरी हम लोग को यहाँ आना, देखिए हम कैसे करके यहाँ है, देख रहे हैं कि हमको लाने को विवश करने वाले ये व्यक्ति हैं। अभी सर से बात की ठीक है, किससे बात किया, एसडीओ सर से बात की, हाँ बोले आप चलिए ना, नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे, सुनिए इस मामला को, सुनिए इस मामला को हम डीएसपी साहब को 3 बार बताए हैं, क्यों हमको नहीं बुलाए हैं, उनको बुलाया चाहिए ना कि चंद्रा तुम आओ बैठ कर मामला सॉल्व किया जाए, क्या मैटर है, क्यों नहीं बुलाए, रोड जाम सॉल्यूशन नहीं है सर। सर भैया मूर्ति कीजिएगा सर, हेलो भैया मूर्ति कबारने वाला के भी फोटो है तोड़नी, सब सब है सब है सर, जेल भी कीजिएगा, हम लोग सर आत्मदाह करेंगे, 5 लोग यहाँ आत्मदाह करेगा। प्रमोद जी शांति दिमाग से आखिर बैठे हैं सोल्यूशन करने के लिए ना, सोल्यूशन सर जानते हैं लोग परेशान हैं, सोल्यूशन इनसे मेरा सोल्यूशन नहीं होगा, नहीं होगा, ये पता नहीं नहीं होगा, नहीं होगा ये कह भी नहीं रहे कि सोल्यूशन मेरे पास आए, हम उनसे बात करेंगे सोल्यूशन के लिए, कह भी नहीं रही कि हम करेंगे सर, लेकिन थोड़ा सा हम बात बतिया लेते कहीं एसडीएम साहब कि 7 दिन में सबको अरेस्ट कर लिया जाएगा, खुद से ऑरेंट किया जाएगा, कहाँ हुआ कहाँ किए आप, कै को किए हैं तो कै को मुजाला है, कै को किए हैं दिखाइए,
बाकी क्या कर रहे हैं? मेन मुद्दा ले क्या कर रहा है? मेन मुद्दा ले घूम रहा है। क्या नहीं चल रहा है? थाना प्रभारी जी को कहा जाता है, कॉल करके तो थाना प्रभारी जी को फोन स्विच ऑफ कर देते हैं। दिनेश राम का मुख्य अपराधी घूम रहा है, थाना प्रभारी जी को बोला जाता है तो फोन स्विच ऑफ कर देते हैं। हम खुद बोले हैं सर, हम अटेम्प्ट से बोले हैं सर, समझे? फोन स्विच ऑफ कर देते हैं सर। आपकी थाना है, पुलिस का यहाँ पे रंगबाजी नहीं चलेगा। आप हम लोग मालिक हैं, कुछ की बात नहीं है। देखिए ठीक है, पूरा बाजार में जो दिनेश राम का मुख्य अपराधी है खुलेआम घूम रहा है, गिरफ्तार होगा। एक आदमी मारा हुआ है, जा करके मिलने का टाइम रहता है। अभी द्वार पे जा करके, अभी सर द्वार पे जा करके रंगबाजी करता है, हथियार हवाई फायरिंग करके जाता है, कहते हैं कि और मारेंगे। हम लोग प्रशासन के पास कहते हैं, यहाँ पर आके कहते हैं तो प्रशासन क्या करते हैं, मंगल चौधरी के घर जाते हैं, चाय पी करके चले जाते हैं, हमारे मोहल्ले में आते हैं लेकिन हमसे बात नहीं करते हैं। वहाँ पे मंगल चौधरी के घर जा करके चाय पी के चले जाते हैं। पुलिस के यहाँ पे गुंडागर्दी नहीं चलेगा, जो मर्डर करता है उसके घर आप जाकर चाय पीने, क्या उसका मतलब क्या होगा? आप कुछ पूछिए। हम सामने देखे हैं सर, आप मंगल चौधरी के घर गए हैं, हम देखे हैं, आपको अपने आंखों के सामने देखे हैं, समझे? और हम लोग जब बात भी अपने रखते हैं सुनते नहीं है। प्रूफ चाहिए कि हाथ तोड़वा के आओ, हाथ कटवा के आओ, नहीं आपको लाठी से मारेंगे, आपका सर नहीं फटा, एफ आई आर नहीं होगा इसका मतलब ना। आप हमको पेशल ठेका यूज करें, भैया नहीं होगा ना, होगा। अभी लाल बाबूरा पहाड़ी है सर, नंबर है, दे रहे हैं, पूछ लीजिए। उस व्यक्ति को हम लेकर आए थे जिस दिन जल भरी था उस दिन इनके पास लेकर आए थे, एफ आई आर नहीं है कि हम कोर्ट से एफ आई आर करें। क्यों क्यों नहीं किए? ठीक है, हमारे मोहल्ले में तहगर में बराबर मारते हैं। यहाँ पांच आदमी आत्मदाह करेगा, आज सियोर है हम लोग रात में बैठेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग उठने वाले नहीं है। जो आपके वरीय पदाधिकारी सर नहीं जाएंगे, सर नहीं जाएंगे सर, जी सर नहीं जाएंगे, नहीं सर नहीं जाएंगे, जो भी हो जाए नहीं जाएंगे। सर सर हमें चलते नहीं है, सर मेरे चलते नहीं है, अपने चलते हैं, इनके चलते नहीं है, हम लोग अपने चलते हैं। सर आप ऐसे नहीं बोलिए, हम लोग अपने चलते परेशान हैं। जल्दी हमारे कर्तव्य का निर्वहन किए होते आज हम यहाँ खड़ा नहीं होते। होगा आपके सामने, नहीं होगा ना, प्रशासन की जुमला हम पढ़ चुके हैं, प्रशासन की जुमला सर हम पढ़ चुके हैं। रोज तो हमको नहीं सुनाना है, हमको देर एंड देर चाहिए फैसला, यहाँ लगातार अत्याचार हो रहा है। अच्छा तो एक आदमी के जान बचाने के चलते इतने को परेशान किया जाए सर, करहगर में मेरा भी हाथ होता है, हम भी आए हैं, गाड़ी घोड़ा लेके मेरा भी गलती नहीं किया होता तो मामला होता नहीं, ये दूसरे पे थोपा है, अपना गलती प्रशासन की गलती नहीं बोल रहे हैं, अपना गलती दूसरे को तैयार है, हम लोग सारा बात झूठ बोल रहे हैं।